ट्राई कर लेते हैं केला यहाँ पे भी, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है इंडिया जैसा ही टेस्ट। आपको खुद ही यहाँ पे पेट्रोल डालना होता है और उसके बाद वहाँ जाके आपको पेमेंट करूँगा। तो उसका रेट मैंने यहाँ पे 2500 रुपये किलो से भी ऊपर देख रखा है। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो का पर्पस है कि आपको ये क्लैरिटी हो सके कि आपके दिमाग में जो कन्फ्यूजन आते हैं कई बार कि मुझे इंडिया में रह के स्टडीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या अपने जॉब गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब जिस चीज़ के लिए भी मैं ट्राई कर रहा हूँ वो इंडिया में रहते हुए करनी चाहिए या मुझे इंडिया के बाहर जाके किसी कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। बिकॉज बहुत बच्चों को क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, अपने फ्रेंड्स अपने बैचमेट्स के थ्रू मिसगाइड होते हैं, पीस मिल में इन्फॉर्मेशन मिलती है और असेस नहीं कर पाते हैं कि उनके लिए सही डिसीजन क्या रहेगा। सो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, कि आपकी जो डेली रिक्वायरमेंट है चीज़ों की उस पर कितना खर्चा आएगा, सो डैट आप असेस कर सको कि अगर इंडिया में आपको कुछ हजार रुपये महीने की जॉब की अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर आपको लाखों की अपॉर्चुनिटी है अब्रॉड के अंदर, तो बेटर ऑप्शन आपके लिए क्या है। हम एग्जांपल लेंगे ऑस्ट्रेलिया की, कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आपके बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं उन पे डेली का कितना खर्चा आपका आता है ऑन एन एवरेज, क्या डिफरेंस है इंडिया के साथ। और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझाऊंगा जिसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, जिससे कि आप आइडिया लगा सकते हो कि आप ऑस्ट्रेलिया के अलावा भी US कैनेडा UK किसी भी कंट्री में जाते हो तो वहाँ पे कितना पैकेज आप को मिलना चाहिए सो डैट आपको लगे कि हाँ मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकूंगा। आप ब्लाइंडली डिसीजन नहीं ले सकते हो। सो वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ द प्लेसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया लाइक फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट, ब्रेड मार्केट, पेट्रोल पंप कि क्या क्या रेट्स हैं और इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। सो लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द प्लेसेस। सो दोस्तों अभी हम एक शॉपिंग सेंटर के पार्किंग में एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे जाके हम कुछ चीज़ों को असेस करेंगे कि किसका रेट कितना है। सबसे पहले अगर हम तरबूज की बात करें फ्रूट्स में तो आप रेट देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑलमोस्ट $3 पर केजी। ऑस्ट्रेलिया का जो डॉलर है आपको पता है उसका रेट है 50 से 55 रुपये पर ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो 150 रुपये पर किलो के हिसाब से यहाँ पे तरबूज का रेट है। और पाइन एप्पल देख सकते हो आप, यहाँ पे अलग अलग रेट्स लिखे हुए हैं पाइन एप्पल के, $7 ईच एक पाइन एप्पल का रेट, 350 रुपये के आस पास का रेट है। उसके अलावा आम देख लेते हैं, मैंगो देख लेते हैं, तो अलग अलग साइज़ के मैंगो देखते हैं, उनके रेट आप देख रहे हैं यहाँ पे $10 पर केजी के आसपास का भी रेट है। 550 रुपये पर किलो के हिसाब से आम भी यहाँ आपको मिल रहे हैं। इसके बाद एप्पल देख लेते हैं, कई तरह के एप्पल हैं, $6 पर केजी का भी देख रहे हो, $3 पर केजी का भी देख रहे हो। जैसे इंडिया में अलग अलग टाइप के आप एप्पल देखते हो, हिमाचल का एप्पल होता है, कश्मीर का एप्पल होता है, इंपोर्टेड एप्पल होता है, रेट वेरी करता है। तो यहाँ पे भी आप 250-300 रुपये पर किलो के हिसाब से, तो इसमें आप देखोगे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट कुछ चीज़ों में आप देखोगे कहीं कहीं गुना का फ़र्क है। यहाँ पर आप अलग अलग टाइप की मिर्चें देख रहे हो, यहाँ मिर्चों का रेट देखो $20 पर केजी के आसपास का रेट है, मतलब 1000 रुपये पर किलो से ऊपर, इससे भी महंगी मैंने देख रखी है। जो हमारे नॉर्मल इंडिया के अंदर आप छोटी हरी मिर्च और लाल मिर्च देखते हो उसका रेट मैंने यहाँ पे 2500 रुपये किलो से भी ऊपर देख रखा है। जौन सी मिर्चें आप वहाँ पे इंडिया में बोलते हो ना भैया धनिया और हरी मिर्च जो है फ्री में डाल देना जब सब्जियाँ लेते हो, वो यहाँ पे लेने में आपकी जेब हल्की हो जाती है। अब यहाँ पे आप भिंडी देख रहे हो, भिंडी का रेट $13 पर केजी, तो मतलब 650-700 रुपये किलो के आसपास की यहाँ भिंडी है। उसके अलावा अलग अलग तरह के यहाँ मशरूम्स हैं, 750-500 अलग अलग टाइप के रेट्स हैं। तो देख सकते हो इंडिया से 5-5, 6-6 गुना और कहीं कहीं चीज़ें तो 10-10 गुना भी महंगी हैं। कुछ चीज़ों का रेट है आसपास इंडिया वाली चीज़ों की। अब हम दूसरे स्टोर में आए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो केले को काउंटर बना हुआ है $3 पर केजी, मतलब 150-160 डॉलर पर केजी के आसपास का रेट है। तो ट्राई कर लेते हैं एक केला यहाँ पे भी। कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इंडिया जैसा ही टेस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं कि आप कनाडा जाओगे ऑस्ट्रेलिया जाओगे वहाँ के फ्रूट में और यहाँ इंडिया के फ्रूट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क मुझे तो लगा नहीं है।
दोस्तों अभी हम ब्रेड वाले सेक्शन में आए हैं। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप की ब्रेड देख सकते हो, बहुत टाइप की ब्रेड्स होती हैं, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सी वाली ब्रेड ले। तो रेट सबके वेरी करते हैं, $6 की भी है, $3 की भी है, मतलब $6 की होगी ₹300 इंडिया के, मतलब एक लॉफ ऑफ ब्रेड जो है इंडिया के ₹300 के बराबर आपको दिखेगा। $3 की भी है, 150 से कम की मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे आपको ब्रेड मिलेगी। तो हम यहाँ पे एक दही वाले सेक्शन में आए हैं, योगर्ट वाले सेक्शन में। यहाँ पे रेट देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि एक हाई प्रोटीन आपको दिखेगा, तो इसका जो रेट इन्होंने यहाँ पे दिखा रखा है $6.80। तो 900 ग्राम का है, 900 ग्राम का रेट नियरली आप लगाओ ₹350 के आसपास है, ₹350 पर 900 ग्राम का रेट दही का। इंडिया में आपको पता ही है कितने का होता है, इसके तो आसपास भी नहीं होता, तो अगेन कई गुना रेट है दही का भी यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम मिल्क सेक्शन में आ गए हैं, यहाँ पे भी आपको कई तरह का दूध की वैरायटी मिलेगी, अलग अलग रेट्स हैं दूध के, लाइट मिल्क, फुल क्रीम मिल्क मिलेगा आपको, अलग अलग कंपनीज के यहाँ पे आपको दूध मिलेंगे। सो एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये फुल क्रीम, इस साइड आप देख सकते हो, इधर लाइट, हम लाइट उठाएंगे यहाँ पे, उसका रेट यहाँ पर लिखा हुआ है, रेट पे एक बार फोकस करते हैं, $4.50 पर 3 लीटर, मतलब $1.50 पर लीटर, तो ये नियरली हो गया ₹80 पर लीटर के आसपास। ये भी हम कह सकते हैं इंडिया से बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी बहुत हाई क्वालिटी मिल्क होगा, तो उसका रेट आपको पता है, खास करके टेट्रा पैक मिल्क की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेट रहता है। तो हम चेकआउट करने वाले हैं यहाँ पे, यहाँ पे सेल्फ चेकआउट की भी ऑप्शन रहती है, आप खुद से चीज़ें स्कैन कर सकते हो। और उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि जब बाहर आप चेकआउट करके जाओगे तो आपके एक एक चीज़ आइटम यहाँ पर चेक करी जाएगी कि भाई आपके बिल के साथ मैच हो रही है कि नहीं, इतना आप पे ट्रस्ट किया जाता है यहाँ पर। तो नॉर्मली लोग यहाँ पे खुद ही चेकआउट करते हैं, और यहीं पे डायरेक्टली आप देख रहे हो मशीन भी लगी हुई, इसी मशीन के थ्रू पे करके भी यहाँ से अपना निकल जाता है। दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बीच में ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है, कई बार आपको आपके बैचमेट्स इस तरह के भी चीज़ें बताते हैं कि फॉरेन कंट्री में चले जाओगे, आपके मेडिकल का खर्चा सारा सरकार उठाएगी, एक बार आपको PR मिल गई, इस तरह की बातें हैं, कई तरह के आपको लालच कई बार दिखाए जाते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो इस चीज़ पे तो आपको अपना फोकस बिल्कुल भी नहीं हटाना है, क्योंकि कल अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हो कोई भी कैटेगरी का, चाहे A, B या C, तो उस केस के अंदर सारा का सारा आपका मेडिकल का खर्चा सरकार ही उठाती है। CGHS स्कीम जो है सरकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसके अंडर सारा का सारा खर्चा सरकार की तरफ से उठाया जाता है। इवन आजकल तो प्राइवेट कंपनीज, अच्छी प्राइवेट कंपनीज सबके सब जो हैं किसी ना किसी हेल्थ इंश्योरेंस कवर के अंडर आपका मेडिकल खर्चा उठाती है। सो इस तरह के छोटे मोटे चीज़ों के लालच में आके आपको लाइफ के इतने बड़े बड़े डिसीजंस कभी भी नहीं लेने चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी हद तक मैटर करता है, वो है आपका रेंट। कहीं भी आप नई लोकेशन पर जाते हो, वहाँ पर क्या रेंट चल रहा है। अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ अगर आपको एक डिसेंट सी एकोमोडेशन भी लेनी है अपनी कोई छोटी फैमिली के लिए भी, तो वो भी आप ये लगाओ कि महीने के 75-80 हज़ार कहीं नहीं गए आपके, 75-80 हज़ार रुपये महीने से आपकी एक एकोमोडेशन शुरू होती है। वो बात अलग है कि कहीं यंगस्टर जाके शेयरिंग बेसिस पे एक एक रूम शेयर करते हैं, बट वो कोई आपकी लाइफ नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कहते हैं ना कुछ लोग कि बाहर जाके क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ आप खुद बनाते हो। इंडिया में रहते हुए भी आप बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ बना लेते हो, यहाँ पे भी कई लोग ऐसे हैं जो कि यहाँ रहते हुए अच्छी हवा मिलते हुए भी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बना पाते, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते, अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं रखते, खाना पीना उनका बिल्कुल बेकार है, स्मोकिंग ड्रिंकिंग सब चलता रहता है। सो क्वालिटी ऑफ लाइफ जगह डिसाइड नहीं करती, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंसान डिसाइड करता है। सो इन फैक्टर्स को देख के क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ इंश्योरेंस, इन चीज़ों के ऊपर डिसीजन नहीं लिया जाता है। बाकी जो चीज़ें हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो आपके खर्चे हैं बाकी के और आपके क्या प्रायोरिटीज़ हैं, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, उनके बेसिस पे डिसीजन लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ हम एक पेट्रोल पंप पे पहुँचने वाले हैं, तो उस पर जाके देखते हैं कि पेट्रोल का रेट क्या चल रहा है, पेट्रोल डीजल का रेट यहाँ क्या चल रहा है, आपको कंपैरिजन होगा। सो एक बार यहाँ पे प्राइस देख लेते हैं कि पेट्रोल डीजल का कितना प्राइस है। ये पेट्रोल का यहाँ लिखा हुआ है 209.9 सेंट्स पर लीटर, मतलब $2.1 पर लीटर के आसपास। आप कन्वर्ट करोगे 110-115 रुपये पर लीटर के आसपास का रेट होगा। आजकल आप इंडिया में भी कुछ जो बड़े शहर हैं वहाँ पे भी
देख रहे हो इसके आसपास रेट पहुंच जाता है। और अगर डीजल की बात करें तो उसका लिखा है 239.9 सेंट्स पर लीटर, मतलब 125 रुपये पर लीटर के आसपास होगा, 125 से 130 रुपये पर लीटर के आसपास। सो डीजल यहाँ पे ऑपोजिट है कि डीजल महंगा है पेट्रोल से। इंडिया में नॉर्मली डीजल आप देखते हो सस्ता होता है पेट्रोल से। अब यहाँ पे आपको इंडिया की तरह वो नहीं मिलेगा कि पेट्रोल डालने वाले लोग खड़े हैं, आपको खुद ही यहाँ पे पेट्रोल डालना होता है और उसके बाद वहाँ जाके आपको पेमेंट करनी होती है। सो दोस्तों आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की होगी, जो रेट डिफरेंस है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ चीज़ों के रेट थोड़े से ज़्यादा है इंडिया के रेट से और कुछ के कई गुना ज़्यादा है, 5-5 गुना या उससे भी कई गुना ज़्यादा है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। सो ऐसे में क्या कंक्लूजन निकालें? देखो ये कंक्लूजन निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, आप में से कुछ ने शायद सुना भी होगा, ट्रिपल पी बोलते हैं। अगर आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाओगे वहां पे आपको इसके रिगार्डिंग डिटेल्स मिल जाती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर का रेट आप देखते हो आजकल 80 प्लस चल रहा है, एक यूएस डॉलर 80 रुपए से ज्यादा के बराबर है। तो नॉर्मली आपका अगर कोई दोस्त बोलता है कि मेरा यूएस के अंदर $100,000 का पैकेज लगा है तो आप कह देते हो अपने घर में शोर मचा देते हो उसका 80 लाख का पैकेज लग गया। ऐसे नहीं होता है। अगर आपको ये कंपेयर करना है कि अगर उसका $100,000 का पैकेज वहां लगा है तो वो किस लेवल का लाइफस्टाइल वहां जिएगा, उसके लिए ये ट्रिपल पी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये काम आता है। होता क्या है, हर कंट्री के लिए इंडिया के रेफरेंस में, या आप कह सकते हो हर कंट्री का आपस में रेफरेंस में ये एक फैक्टर डिफाइंड होता है। अगर हम इंडिया यूएस की बात करें तो ट्रिपल पी फैक्टर 23 से 24 के आसपास होता है। तो आप कह सकते हो अगर कोई बंदे का पैकेज वहां पे ये लगा है $100,000 का, तो आप ये कह सकते हो कि वो जो लाइफस्टाइल जिएगा वो इंडिया के अंदर जो इंसान 23 से 24 लाख रुपया साल का कमाता है, मतलब तकरीबन 2 लाख रुपए महीना जो कमाता है, उसके बराबर जिएगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये ट्रिपल पी फैक्टर इंडिया के रेफरेंस में 16 के आसपास है। तो $100,000 ऑस्ट्रेलिया का अगर है तो वो इंडिया के 16 लाख रुपए पर साल के आसपास होगा। कनाडा की बात करें तो 18 के आसपास है। ऐसे ही किसी भी कंपैरिजन कंट्री से आपने कंपैरिजन करना है तो आप इस फैक्टर के थ्रू कर सकते हो। तो कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबसे पहले आप ये चीज देखो। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले मैं सजेस्ट ये करूंगा, सबसे पहले आप ये देखो कि इंडिया में रहते हुए आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। कभी भी आपको ब्लाइंडली ये नहीं करना चाहिए कि मेरा दोस्त का पैकेज लग गया तो मैं अब अपनी जो एक अपॉर्चुनिटी है उस पर फोकस ना करूं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है बट उनका माइंड क्योंकि वेवरिंग रहता है, उनका माइंड ही स्टेबल नहीं होता, आधा फोकस दूसरा क्या कर रहा है उस पर जाता है, तो अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान नहीं देते। अगर आपके दिमाग में एक है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करनी है, एक बार पूरा अपना 100% दो। प्राइवेट जॉब ट्राई करनी है इंडिया में, एक बार पूरा अपना 100% दो, सो डैट कल अगर बाहर भी जाते हो तो आपको रिग्रेट ना रहे कि मैं इंडिया में ये ट्राई कर लेता। सो एक बार पूरा ट्राई करो, अपॉर्चुनिटीज अवेल करो। अगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दी एफर्ट्स आपसे यहाँ पे आपको लगता है नहीं काम बन रहा है, फिर आप देख सकते हो कि बाहर मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है। बट अगेन आपने ये वाला फैक्टर, कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला फैक्टर डेफिनेटली देखना अगर बाहर भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब स्टडीज की अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है बाहर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जाके आप पढ़ाई कर सकते हो, अपनी स्किल्स को एनहांस कर सकते हो, वापस इंडिया आ सकते हो, जैसे भी आपको सही लगेगा, बट आपको ये फैक्टर्स जरूर ध्यान में रखने हैं तभी आपने ये क्रूशियल डिसीजन लेना है, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना फील हो। आप अपने यंग एज के साल बिना मतलब के बर्बाद मत करो भेड़ चाल के अंदर। सो फ्रेंड्स आई होप आज के इस एजुकेशन व्लॉग के थ्रू आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। मेरा इस तरह के बीच में वीडियोस बनाने का पर्पज यही है कि इस तरह के वीडियोस के थ्रू मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिखा सकूं, एंटरटेनमेंट पर्पज से नहीं बट कुछ इंटरेस्टिंग वे से आपको कुछ इंपॉर्टेंट सिखा सकूं। क्या आप चाहते हो फ्यूचर में भी इस तरह के एजुकेशन व्लॉग इस चैनल पे आए, तो कमेंट्स में आप इसके रिगार्डिंग जरूर फीडबैक देना। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।